आज जो ये एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग हुई है और इसको ग्लोबल लेवल पे भी आप लोग लेके जा रहे हैं और बहुत कुछ इसमें करने जा रहे हैं, तो वो क्या कुछ खास रहेगा? खास जो है, अब हमारा सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है विदेश में ग्लोबल की तरफ भी देखा है, पहले भी थे, दुबई में थे और अभी हमने सिंगापुर, कनाडा, अमेरिका और इसके बाद न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जगह जगह से हमने जो है उनको, हमने सिंधी परिवारों को, सिंधी लोगों को जोड़ना है और यही हमारी है कि हमारी आपस में संस्था जो है इतनी मजबूत बने कि हर घर का सिंधी हमारे साथ जुड़ा हुआ हो और सिंधियों के दुख सुख के साथी बने, उनके भले के काम कर सकें, अच्छे काम कर सकें, यही हमारी योजना है। आज हमारे बीच में जो है अशोक निचानी जी अमेरिका के अध्यक्ष जो है, पूरे अमेरिका के अध्यक्ष बने हैं और ये जाके आगे अपने चैप्टर खोलेंगे सिंधियों के जो है, जो भी उनके दिक्कतें हैं अमेरिका में और दिक्कतों पे अमल करेंगे, उनकी समस्याओं को हल करेंगे और हमारा आपस में मिलना जुलना बना रहेगा, देश विदेश आपस में जुड़ा रहेगा, सिंधी परिवार जुड़ा रहेंगे और जो है हम सिंधियों के दुख सुख के साथ ही बनेंगे। सर अशोक निशानी जी, आप अध्यक्ष मनोनीत हुए हैं, तो भविष्य में सिंधी समाज के लिए एक हित में आप क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया का, जिन्होंने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी और उसके बाद ये काम मैं ऑलरेडी एज अ प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ गोपियो जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है कलेक्टिव ऑफ द पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, ऑलरेडी कर रहा हूँ। इस कार्य करने में मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट भी है क्योंकि एक मेरी अपनी कम्युनिटी है प्लस मेरा भारत है। डेफिनेटली जो इन्होंने बोला अशोक लालवानी जी ने, इस चीज़ को बढ़ाया जाएगा और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। लास्ट 3 साल से मैं ऑलरेडी काम कर रहा था वहाँ पे, ये अपॉर्चुनिटी जो उन्होंने दी उसको मैंने इम्प्लीटली एक्सेप्ट कर लिया। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बात का बहुत ही हर्ष है कि हमने USA के लिए मिस्टर अशोक निशानी को सिलेक्ट किया, क्योंकि हम पर्सनली जानते हैं के यहाँ के बहुत ही इफेक्टिव सोशल वर्कर्स थे और अभी भी जो उनका विजन है बहुत बड़ा, वो वहाँ भी इंडियंस के लिए काम कर रहे हैं और जैसे उन्होंने आज कहा कि ये सब सिंधीज को जो USA में है उनको, जो खास करके जो बच्चे हैं उनको हेल्प करेंगे, इससे ये दिस इज़ ए म्यूजिक क्लास। हमारे कई सिंधी बच्चे जाते हैं बेचारे गुम हो जाते हैं या उनको समझ नहीं आता, हमारा ये कार्यक्रम है और इसके लिए बहुत ही खुशी है। अशोक जी, USA के साथ साथ कनाडा और सिंगापुर और दिल्ली NCR का भी आपने विस्तार किया है, थोड़ा सा उसके बारे में। कनाडा में हमारे भाई गुल अडवाणी जी यहीं हमारे दिल्ली में ही रहते थे, 20 साल से कनाडा में हैं, बहुत समाज सेवी हैं, सिंधियों के हर दिक्कत को सुनते हैं। अब हमने उनको पहले मनोनीत किया था, अब जो है उनको जो है आज से ऑफिशियली उनको बोल दिया है कि आप सिंधियों के लिए काम करो और बहुत जल्दी वो भी कनाडा में हमने जो है अपना टीम बनाएंगे और अपने चैप्टर्स खोलेंगे, सिंधियों को जोड़ेंगे वहाँ पे और उनके दुख सुख के साथ ही। असाजे यूथ जा मनवाणी साहब ए कपिल बई गड अचो यार, ए मनवाणी साहब असाजे यूथ जा जय झूलेलाल। टीवी में फोटो अचो फोटो खिचाण कपिल लालवाणी साई जो है एडवोकेट कपिल लालवाणी ये असो यूथ जो दिल्ली में कुर्सी पुठिया खड़े।
सिंधु समाज असो एस कुमार साहब जो सवाल आशीर्वाद वा समाज के वाधार में सिंधु समाज ढो कुछ कर रो चलो एस कुमार साहब अस यूथ दिल्ली जो कपिल लालवाणी यूथ टीम की तरफा सिंधु समाज राजेंद्र नगर चंद्र लाल चंदाणी जो स्वागत करना चाहता हाँ चंद्र लाल चंदाणी रोशनी तोलानी आया शोभा भाग्या नागपुर का महाराष्ट्र भगत दास भाई साहब असानी हर हर घर में असर अजमेर में आया ये असाजा साथी पैरों आयल है मैं को खटवाणी साहब तो ाल हाँ हाँ श्री अशोक लालवाणी के विनती कस तो क्रू के बारे में भी चाहस मुझे पेर में थोड़ो वो है तो वही कर इजाजत तो होना सभी संगत का अस एग्जीक्यूटिव पार्टी में जैसे अस लेट पियासी तो काफ़ी गालू तक बुधाई असो जो क्रूज अस इन साल में ही असा सा गड 155 56 मानू हुआ सजी संगत हुई देश विदेश में हुई काफ़ी जगह तक मानू जुड़िया सिंगापुर में जुड़िया अस वियतनाम भी वियासी थाईलैंड भी अस वियासी पैंजो वो सजो राउंड ट्रिप करे अस वरी दिल्ली में नागपुर में पूरे महाराष्ट्र घूमी रही आया पूरे 200 तहसी हूँ हर हंध में सिंधियत जहाँ प्रोग्राम सिंधी समाज के गद कर कंटिन्यूएशन में आई ऑलवेज सी के सिंधी के अगत बधाजे तो चाहस कि इनके पा अगत बधाऊँ थोड़ो सो जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा उनमें देर आर सर्टन चेंजेस इफ एट ऑल मेंबरशिप फीस चाहे Please let us know so that we are very clear about it. Thank you very much.